بسم الله الرحمن الرحيم. घर पे कयाम करेंगी चुगला सुनोगे अली की बेटी का कहने की सारा भी मैं तुझसे वादा नहीं कर सकती तो हुसैन से वादा ले ले मैं जब भी आऊंगी अपने भाई के साथ आऊंगी। हुसैन ने सालविया से वादा किया जहां सालविया मैं हुसैन तुझसे वादा करता हूं कि एक दिन कूफे जरूर आऊंगा और तेरे घर कयाम करूंगा मगर मेरी एक शर्त है सालविया जब मैं तेरे घर आऊं तो तू मुझे पहचान लेना। कब वादा मैं वादा करती हूँ मैं आपको पहचान लूंगी। जमाना गुजरा आशूर का दिन गुजरा मुहर्रम की 11वीं तारीख आई टूटा हुआ काफिला चला सालविया ने दिन गिनना शुरू किए। उसको पता नहीं है कि हुसैन किस दिन आएंगे लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि 13वीं मुहर्रम को हुसैन को कूफे आना चाहिए। खबर आ चुकी है कि हुसैन मदीने से कूफे के लिए निकल रवाना हो गए। जुमला सुनोगे 13वीं मुहर्रम की शाम आई खूली हुसैन का सर जुल्फों से थामे हुए जानता है कि मेरी बीवी हुसैन से मोहब्बत करती है। उसने सर को पीछे किया आया सालविया के पास और कहने लगा सालविया मैं हुसैन चुप ना सुनो सालविया मैं आ गया मैं फूली आ गया जम जीत के आया हूं मैं जम जीत के आया हूं। सालविया ने फूली को देखा और कहने खुदा तुझ पे लानत करे जब से तू गया है मैं ख्वाब में खून के दरिया देख रही हूं। जब से तू गया है मैं ख्वाब में खून के दरिया खुदा तुझे लानत करे। उसने ये सोच लिया कि अगर इसको पता चल गया कि हुसैन का सर मेरे पास है तो ये कोहराम बन जाएगा। जुमला सुनोगे घर के आंगन में एक पुराना जुमला सुनना घर के आंगन में पुराना तंदूर था वो खूनी ने जुमला सुनो जैसे ही सालविया हुजरे में गई खूनी ने सर को उठाया उस तंदूर में ले जाके रखा उस पे मिट्टी डाली उसको छुपा दिया। आधी रात का सन्नाटा था सालविया होने की बीवी किसी काम से उठी अब जो उसने देखा तो देखा तंदूर से नूर सादे है तंदूर से नूर निकल रहा है। खबरा के तंदूर के पास आई मिट्टी हटाई अब जो देखा तो एक कटा हुआ सर रखा हुआ है। सालविया में हुसैन आ गया सालविया में हुसैन आ गया। सालविया ने मुंह पे तमाचे मारना शुरू किए खूनी उठा हुजरे से बाहर निकल के आया सालविया का शाना था हुजरे में बंद किया अब तंदूर की हिफाजत करने लगा खुद हुसैन की सबकी हिफाजत करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता तंदूर में झांक के देखता कि सर मौजूद है या नहीं। जब तीसरी मरतबा खूनी हुसैन का सर देखने आ रहा है तो देखा तंदूर खाली है उसमें सर मौजूद नहीं है। खूनी ने कुछ नहीं सोचा सीधा आया हसीन इब्ने नबील के घर पे जिसके पास अकबर का सर था। दरवाजा खटखटाया हसीन आंखों को बंधा हुआ बाहर आया कहा खूनी आधी रात को क्यों आए हो। कहा हसीन बस इतना बतला दे तूने अकबर का सर कहाँ रखा है। हसीन इतना बतला दे अकबर का सर कहाँ रखा है। उसने खूनी का हाथ थामा अकबर के सर के पास लेके आया अब जो खूनी ने देखा तो अकबर के नुकसान पर हुसैन का सर है। रुक जाओ अभी पूछा ले रहा हूँ रुक जाओ शहजादी के ताबूत की ज़ियारत करोगे शबीह ताबूत की ज़ियारत करोगे अली अकबर का मातम करोगे तुम जुमला सुनोगे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ करबला का वाकया है करबला का वाकया है। उलमा बिरादरीन बड़े बड़े करबला के पढ़ने वाले वो कहते हैं कि जब अकबर के मसाइब सुनो तो चीखे मार मार के रोया करो किसी और के मसाइब के लिए नहीं कहा है जुमला। सारे बड़े बड़े उलमा बिरादरीन कहते हैं जब अकबर के मसाइब सुनो तो चीखे मार मार के रोया करो किसी ने सबा पूछा तो रो के कहने लगे कि जब जाकिर अकबर के मसाइब बयान करता है तो कब्र में हुसैन तड़पने लगते हैं।
खून की रात आई। आपको पहचानते हो अकबर की शहजादी उम्मे लैला। बेटे को बुलवाया खेमे में, जब अकबर खेमे में आए तो दूर खेमे में एक शमा जल रही थी। माँ वो शमा उठा के लाई, अकबर के सामने रख दी और अकबर को देखना शुरू कर दिया। ता अम्मा क्या कर रही है? ता बेटे छबी है रसूल की ज़ियारत कर रही हूँ। ता अम्मा मैं जाऊं? ता बेटे जा, कल आशूर का दिन है, तो मेरी तरफ से कुर्बानी दे देना, ताकि कल मैं सगे शादी नहीं हूँ। बेटे मैं सगे शादी नहीं हूँ, तो मेरी तरफ से कुर्बानी देना, मैं सगे शादी नहीं हूँ, मेरी तरफ से कुर्बानी देना, कल कयामत के दिन मैं फातिमा जहरा को अपना मुंह दिखला सकूं। बच्चा उठा 18 साल का कड़गल जवान, हुसैन के पास आया, कहा बाबा मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन ने अकबर को सर से पांव तक देखा, ठंडी सांस ली और कहने लगे, बेटे अकबर काश काश तेरे पास तेरे जैसा खूबसूरत बेटा होता और वो तुझसे मरने की इजाजत मांगता, तो मैं देखता किस दिन से इजाजत देते हो। अकबर को यह इजाजत नहीं दूंगा। बस ये सुनना था कि अकबर ने अपना सर हुसैन के कदमों में रख दिया। हुसैन खबरा के खड़े हो गए, काबे के हाथ के बाद ऐसा ना करना, अरे तू मेरे नाना की छवि है। तुझे बाला तो तेरी फूफी ज़ैनब ने है। अकबर में हिम्मत नहीं है कि फूफी से जाके इजाजत ले। बूढ़े बाप ने जवान बेटे का शाना थामा, शहजादी ज़ैनब के खेमे में लाए। ज़ैनब की निगाह पड़ी, अकबर को देखा, हुसैन को देखा और अकबर से एक जुमला कहा ज़ैनब ने, कहा बेटी अकबर, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था? हाथों को जोड़ के खड़ा है, बेटे का इसी दिन के लिए पाला था। कहा बेटे, जब भाई ने मना नहीं किया तो बहन को मैं तुझे रोकने वाली, अब जुमला सुनोगे? अकबर को विदा करने के लिए एक मतलब बीवियों ने अपने बाल खोले, बाल खोलने के बाद बीवियों ने हाथों को मना नहीं किया। कहा परवर दिगारा, इस आवाज को बाकी रखना, आखिरी जुमला सुनो। बच्चा एक मरतबा जब बाहर जाने लगा, आखिरी जुमला सुना, बच्चा जब बाहर जाने लगा, रावी कहता है कि खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। जब अकबर बाहर निकलना चाहते, पीछे से कोई अकबर का दामन खींचने लगा। अगर कोई बड़ा होता तो वो शाना पकड़ के खींचता। बूढ़े बाप ने जवान बेटे को घोड़े पर सवार कराया। अकबर के घोड़े ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया, बूढ़े बाप ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। एक मतलब पुकार के, तुम ना सुनो, पुकार के अकबर ने कहा, बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। घोड़े से नीचे उतरा बच्चा, आया हुसैन के पास। न जाने बेटी ने बाप के कानों में क्या कहा। रावी कहता, सपाता उगान आ लिया। हुसैन अकबर की बात पर चीखे मार मार के रोने लगे। तेरे खैमा से ज़ैनब देख रही थी, पुकार के कहा, भैया बेटे ने क्या कह दिया जो चीखे मार।